हाय फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका पाटकार में। और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनने वाला है पोहा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करना, बस पोहा 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 बनाती रहती हूँ। मेरे यहाँ पोहा काफ़ी दिन बाद बन रहा है और आपकी जो पसंद होगा वही तो बनाएंगे ना। नाश्ते में कभी कुछ बना लो, हमेशा ऑयली खा लो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कभी पराठे हो जाते हैं, नमकीन पूरियाँ हो जाती हैं, कभी नमकीन सेवैयाँ हो जाती हैं, पोहा हो जाता है, थोपा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बनाती रहती हूँ। तो आज उनमें से एक है पोहा। तो यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ और सोचा था जलेबी भी आ जाए आज के दिन, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। जलेबी जहाँ पे मिलती है उसका टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सुबह जल्दी है और हम लोग थोड़ा लेट होके उठे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। कोई नहीं, पोहा खाते हैं। और एक तरफ बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, साथ में डाल दिया मैंने पोहा में पीनट्स और बस उसको अच्छे से मिला देंगे और हमारा पोहा है रेडी। प्लेट पे लगाते हैं और नाश्ता करते हैं। आ जाइए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ में। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपना यम्मी सा नाश्ता और यह आद्या और मेरे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और रूम में कुछ चीज़ें इधर की उधर पड़ी हुई हैं। तो नाश्ता रखने के बाद जस्ट मैं तुरंत उसको उठाकर सेट करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा फैला सा लग रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। लेकिन रात को क्या है कि जहाँ पे जो भी सामान पड़ा मिला मैंने वही रख दिया और सो गए, तो अच्छा ही लग रहा था मुझे। तो मैं यहाँ पर सब चीज़ें वेल टाइट कर रही हूँ, लेफ्ट टाइडी कर रही हूँ। लैपटॉप पे मेरा काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो ऑन ही रहता है, तो बस उसको भी ठीक करके रख दूँगी। मतलब इस तरफ मूड है क्योंकि बेड में बैठकर कंबल में बैठ कर आराम से लैपटॉप पे काम कर रही थी मैं, तो अब मैं उसको उस तरफ घुमा दूंगी। और यहाँ पे फिर मेरी जो चाय है, मुझे ना थोड़ी सी हल्की सी ठंडी चाय पसंद है। किस किस को हल्की सी ठंडी चाय पसंद है? ज़्यादा ठंडी नहीं, लेकिन चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे एकदम जैसे चाय खोल के बनकर आई तुरंत की तुरंत पी लो, वैसे ही मैं नहीं पीती। थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब पीती हूँ मैं। तो बस आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए, पोहा खाने के लिए। तो फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ। आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन धुलने के लिए। नाश्ता करो, खाना बनाओ या कुछ भी करो, बर्तन तो होते ही हैं। और सर्दियों में ना बर्तन धुलना सबसे मुश्किल काम लगता है ना, ज़रूर बताना मुझे। और मैं आज पता जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, उस दिन ना ठंड कम हो चुकी है, यानी 31st को ठंड नहीं थी, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है मुझे। और बड़े आराम से मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और क्या है ना, पानी जब हल्की सी धूप निकलती है ना, तो जो टंकी का पानी है ना थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाता है,
तो बस उधर पानी भी गुनगुना हो चुका है और मैं फटाफट अपने सारे बर्तन फटाफट क्लीन कर लूंगी मैं। तो चलिए करते हैं बर्तन पूरे क्लीन। यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए दूध रख दिया है। ये जो भगोना है जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, ये वही नया भगोना है। इसी को आज मैंने इसमें दूध लिया है और 2 लीटर दूध पे लिया है और रख दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी फ्रिज को क्लीन करने के लिए, क्योंकि फ्रिज ना अगर हफ्ते में एक बार क्लीन करते रहो ना तो कभी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैं अक्सर हफ्ते में एक बार ज़रूर थोड़ा बहुत क्लीन करती रहती हूँ, हाथ मारती रहती हूँ उस पर, ताकि गंदा ना हो। और मेरी फ्रिज है ना वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो मैट लगी हुई है सारा, जो भी निशान बनते हैं मैट पे रखते हैं, कांच पे नहीं, कुछ सामान नीचे नहीं गिरता है, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो इसलिए मैट को निकाल दिया है, मैट को धुलूंगी और बस उस फ्रिज को अच्छे से गीले कपड़े से साफ कर दूंगी, एकदम से पोंछ दूंगी। सारा सामान मैंने पहले ही निकाल लिया है। और आजकल ना सर्दियों में ज़्यादा सामान होता ही भी नहीं है फ्रिज में, गर्मियों में ज़्यादा सामान रखा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा गंदी होती नहीं है। और यहाँ पे तो फटाफट पूरा फ्रिज का दरवाज़ा और फ्रिज और अंदर से लेकर बाहर तक पूरा क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद जो मैट है हमारी उनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी साबुन से और सूखने के लिए डाल दूँगी, और हमारी फ्रिज है वो कम्प्लीट हो जाएगी एकदम साफ होकर। अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ सोया भरी की सब्जी। तो सोयाबीन होती है, सोयाबीन की भरी है आलू की सब्जी। मुझे सोयाबीन मतलब अच्छी लगती है लेकिन कम, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सोयाबीन की जो भरी है उनको मैंने खौला लिया है, पानी में अच्छे से बॉयल कर लिया है। उसके बाद उसको ठंडे पानी से धुल के एकदम निचोड़ के निकाल लिया है। और मैं कर रही हूँ इसको सरसों के ऑयल में फ्राई, थोड़ा सा इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी मैं इनको निकाल लूँगी, फिर इसी बचे हुए ऑयल में मैं तड़का दूंगी। तो मेरे पास ना प्याज बहुत कम था, इसलिए प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और प्याज ख़त्म हो चुका है। तो मैं जितना भी प्याज है मेरे पास वो प्याज और हरी मिर्ची अच्छे ढंग से डाल के भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी। बेसिक जो मसाले पड़ते हैं हमारी सब्जियों में वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और सारे मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, ऑयल छोड़ देगा जब तक मसाला। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे, सब्जी ऐड कर देंगे, आलू भी ऐड कर देंगे और अपने सब्जी के अनुसार यानी ग्रेवी के अकॉर्डिंग उसमें मतलब पानी डाल सकते हैं, जितनी गाढ़ी ग्रेवी खाना खाना पसंद करते हो, लिक्विड जैसा भी आप उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी सब्जी है वो ऑलमोस्ट तड़का दे दिया है मैंने, अब इसको बस ढक कर रख देंगे और पकने देंगे। और हम ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और आज मैंने बनाई है, मैंने मेरे पास प्याज नहीं था, बहुत कम था, तो मैं सोची थी पता नहीं कैसे बनेगी, क्योंकि मैं अक्सर ना प्याज पीस के बनाती थी, लेकिन इस बार काट के डाला है, मैं सोचा पता नहीं कैसे बने, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से।
तो गाइज अभी मैं बैठी हूँ आके धूप में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप आ चुकी है और 1:30 बज रहा है। अब मैं खाना भी बना रही हूँ, बहुत लेट हो जाता है, एक तो सर्दी की वजह से देर से उठना होता है, और तुम्हें अच्छा लगता है सच में, तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। और आज है 31 दिसंबर, सोचा था कि आज धूप नहीं निकलेगी, न्यू ईयर के दिन भी नहीं निकलेगी, तो ऐसा ही हो जाएगा खराब खराब सा, लेकिन अच्छी खासी धूप निकल आई है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही यहाँ पर, लेकिन नीचे ठंड है बहुत। तो मैं सब्जी को तड़का देकर आई हूँ, तो सब्जी अच्छे से बनती है, फिर जाऊंगी नीचे गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी, और आद्या को भी ऊपर लेके आई धूप, क्योंकि मैंने बोला आद्या चलो ऊपर, लेकिन अकेले वो नहीं आ रही थी, करिए मम्मा आप भी चलो, तो चलिए इसी बहाने बच्चा भी थोड़ी सी धूप ले लेगा और अच्छा लगेगा। मैं सूरज देखती हूँ। सूरज देख रहे हो, कहाँ है सूरज? उस तरफ है, आ जाओ आ जाओ मेरा बाबू, आ जाओ धीरे से धीरे से, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, हाय बोलो, हाय हाय मेरा बाबू, मेरा बाबू, खाना खाना है? और आद्या के लिए कल आया था नया ब्रश, तो आज आद्या ने नए ब्रश से ब्रश किया है, है ना आद्या? नए ब्रश से। और आज मेरा क्या रहा है? मेकअप की नहीं, किचन और किचन सेट और फोटो। ये मुझसे कह रही है कि किचन सेट ऑर्डर लगा दो, आ जाएगा, तो मैंने इसे कह दिया हाँ आ रहा है, झूठ बोल दिया है। अब कितने खिलौने लूं, इतने दो जोड़ी दो सेट पड़े हुए किचन सेट, अभी आएगा थोड़ी देर में, और एक मेकअप का किट भी पड़ा हुआ है डॉल वाला, डॉल दो तीन चार डॉल डली हुई मेरे पास तो है। हाँ और फिर कहेगी मेरे पास तो बहुत है मुझे मत दिलाओ, लेकिन एक ना एक ले ही लेती है वो है। और आज मेरा मैंने एक चॉपर ऑर्डर लगाया था अमेजोन से, तो मेरा जो चॉपर था वो खराब हो चुका है, मतलब टूट गया है, तो उसकी प्लास्टिक सब टूट चुकी थी, इस वजह से वो काम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने दूसरा ऑर्डर लगाया है, वो आ चुका है। तो अभी भी अब मैं नीचे जाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे जो ओनर है उन्होंने रिसीव किया है वो, तो जब वो जब हम लोग नीचे जाएंगे तो लेकर आएंगे, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो चॉपर कैसा है। थोड़ा सा दूसरा मतलब डिज़ाइन का मंगाया है, लेकिन है वैसे ही, काम वैसे ही करता है, और चॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है किचन में, प्याज वगैरह चॉप करने के लिए। अब तो विंटर्स है, विंटर्स में तो गाजर चॉप करो, और प्याज है, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल है वो कट कर लो, चॉप कर लो, तो काफ़ी काम आता है चॉपर, और काफ़ी अच्छा भी होता है, तो मैंने वही फिर से एक ऑर्डर लगा लिया है, तो नीचे जाएंगे तब दिखाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर पहले धूप ले लेती हूँ, फिर जाना है नीचे, क्योंकि सब्जी को भी चलाना है, हस्बैंड जी हैं नीचे, और आज उन्होंने छुट्टी ले रखी है, और कल से वो स्कूल जाएंगे, फिर चलिए धूप ले लेती हूँ मैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स मैंने मंगाया है ये चॉपर जो कि फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये देखिए फ्लिपकार्ट का है। और ये जो मेरे पास जो पहले चॉपर था वैसे ही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उस वाले से ज़्यादा अच्छी, मतलब और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है ये। तो ये मंगाया है और अभी अभी बस खोला है, और ये जो मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का। यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए प्राइस दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का ये पड़ा है मुझे। क्यों? क्योंकि हम लोग अक्सर शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे हम लोगों के कुछ पॉइंट्स बन चुके थे जो कि ख़त्म होने वाले थे। जैसे कल है न्यू ईयर और आज 31 जनवरी, तो कल वो सारे ख़त्म होने वाले थे, नया साल शुरू होने वाला था। तो हम लोगों ने इसको उन्हीं पॉइंट से खरीदा है जिससे हम लोगों को सिर्फ 1 रुपये पे करना पड़ा है। और ये है, हाँ दिखाओ दिखाओ, और ये है वो चॉपर। तो चलिए आधे ओपन कर रही है, देखे अच्छे से, ये निकला है। और इसकी 1 ईयर वारंटी है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये बस इसमें डाल दो। और ये है वो चॉपर, मेहरून कलर में है और सब कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा बड़ा है उससे, क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी है। और ये है इसका ब्लेड जो कि उससे मतलब दोगुना तिगुना अच्छा है जो मेरे पास पहले था। और ये है इस ब्लेड का कवर जिसे आपको उठाने में या फिर रखने में कहीं स्क्रेचेस ना आ जाए, हाथ में ना लग जाए, तो ये है ना। तो ये हो गया। और ये है बाउल जिसमें हम जो भी चीजें चॉप करना चाहते हैं वो डालकर चॉप कर सकते हैं। ये है इसका जो नाम है, इसका नाम है व्हिपिंग ब्लेड, जिसमें जैसे कि बटर है या क्रीम है, कोई भी चीज हो उसको फेंटनी है तो इसमें लगा के। और ये ढक्कन कहाँ गया, कहाँ फेंक दिया, ये ढक्कन लगाकर ठीक जैसे ही चॉपर यूज करते हैं वेजिटेबल कट करने के लिए, वैसे ही इसको यूज करना होता है। ये देखिए ये उसके लिए है। तो इसमें ये दो चीजें हैं। उसके बाद जैसे कि हमने क्या किया, मेरा काम हो गया है, उसके बाद हमें अभी इसको यूज नहीं करना है जो भी इसमें वेजिटेबल कटती है या कुछ भी। तो इसको साथ में एक ये मिला हुआ है ढक्कन, इसका कवर, इसको लिड इसमें ऐसे लगा के रख सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे, उठाएंगे दोबारा फिर इसका काम हो जाएगा, मतलब जो भी सामान है इसी में ही रहने देंगे। मुझे खेलने को दे दो। हाँ चुप रहो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो एक ये मंगा लिया है वो भी 1 रुपये में। तो न्यू ईयर पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिल गया है ना, खासकर हम औरतों को। तो ये हो गई हमारे चॉपर की अनबॉक्सिंग। और मेरा चेहरा कितना यहाँ से रेड रेड से लग रहा है, पता है इतनी सर्दी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बर्तन धुलकर आई हूँ, हाथ एकदम ठंडे हैं, चेहरा एकदम गर्म है, त्वचे लाल लाल सा हो रहा है। और आजकल मैं ना केयर ही नहीं कर पा रही हूँ अपने चेहरे की, सोच रही हूँ आप अपने चेहरे की भी केयर थोड़ा करूँ, क्योंकि विंटर की वजह से कुछ मन नहीं होता है मुझे करने का, तो इस वजह से। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर में आज बनने गए पनीर के पराठे, सिंपल से पनीर के पराठे खाने का मन है मेरा, भी पनीर रखा हुआ है। और इतनी सर्दी में ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं होता है, बहुत ठंडी है बहुत। तो चलिए किचन में लगते हैं काम में।
अद्या दिखाना, पराठा बन रहा है, दिखाओ। वाह अरे वाह अरे वाह, आज पराठा बना ली है मेरी गुलिया, मेरी गुलिया पराठा बना रही है। शकल दिखाओ, अच्छा शकल। ये देखो मेरी गुड़िया अभी पराठा बना के तैयार कर लेगी। खराब हो गया मम्मा। कोई बात नहीं, फिर से अपने बेल लो दोबारा।